गीता कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में हुआ संकल्प सम्मेलन का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में कांग्रेस ने कर दी चुनावी प्रचार की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के कैंसर इंस्टीट्यूट में हुआ खत्म अपॉइंटमेंट सिस्टम। अपॉइंटमेंट सिस्टम को कोरोना के बाद किया गया था शुरू। ओपीडी में सुबह 8 से 12 बजे तक दिखा सकेंगे मरीज। ज्योतिनगर में चोरी कर रहे एक युवक की पीट पीट कर हत्या। हत्या के बाद मुरादनगर में शव को लगाया ठिकाने। टेंट हाउस कर्मचारी आफ्ताब हुआ गिरफ्तार। एमएस पार्क पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक चाकू हुआ बरामद। आरोपी ने कुछ समय पहले 2.5 लाख रुपए की थी चोरी। जीटीवी इनक्लेव और गीता कॉलोनी में पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर की गई थी छापेमारी। सादरा के कई थानों में किया गया था टीम का गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, वह न्याय मांग रहे हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और न्याय को लेकर वह इस यात्रा को कर रहे हैं। किसी भी नेता ने ऐसा कदम नहीं उठाया जैसा राहुल गांधी ने आज तक उठाया है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं तो आप लोग मोदी के गुलाम हो जाएंगे। आने वाले समय में नौजवान और महिलाओं को बहुत सी तकलीफें होंगी। लोगों को नौकरी देनी थी, गारंटी कहाँ है? अभी 30 लाख नौकरियां भारत में खाली पड़ी हैं। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी झूठों के सरदार हैं। क्या किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? साथ ही अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि दिल्ली का कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रहा है। इंदिरा गांधी ने भी चुनाव का आह्वान इसी ग्राउंड से किया था। पूरी दिल्ली कांग्रेस को लेकर उत्साहित है। हमारे नेता राहुल गांधी आज पूर्वोत्तर से जिस तरीके से लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए गाँव गाँव घर घर घूम रहे हैं। वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आज इस न्याय संकल्प सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दिल्ली के कई इलाकों से लोग यहां आए हैं। हमारे बड़े नेता राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर लोग घर घर जाकर लोगों को जोड़ेंगे और चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। यात्रा चल रही है, इसमें वो न्याय मांग रहे हैं, युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और हिस्सेदारी की न्याय को 5 न्याय को लेके निकले हैं। और इतने कठिन परिस्थिति में, इतना सर्दी है और खासकर उस सर्दी इलाके में उन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है, इसीलिए हम तमाम लोगों के तरफ से उनको हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। शायद ही कोई नेता आज तक या कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो ऐसा कदम नहीं उठाया जो राहुल गांधी ने। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वाइड वाला थोड़ा लेफ्ट और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। सर, आप जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर, देश भर में कांग्रेस की आवाज बुलंद कर रहे हैं और सीधे रूप से उन ताकतों को जो देश को बांटने का काम कर रही हैं उनके खिलाफ टक्कर ले रहे हैं, तो दिल्ली का कांग्रेस का वर्कर भी
अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रहा है कि खड़गे जी का संबोधन उसी पाक ग्राउंड से होगा जहां इंदिरा जी ने देश की लड़ाई की आह्वान की थी। हम पूरी की पूरी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको लेके उसको बहुत उत्साहित हैं। हमारे नेता राहुल गांधी आज पूर्वोत्तर में जिस तरीके से लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए गांव-गांव घर-घर घूम रहे हैं, वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ मजबूती से जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन हर प्रदेश में हो रहा है और आज दिल्ली में हुआ, उसके पीछे एक संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ेगा उस आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ जो इस देश को तोड़ना चाहती है, जो देश के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है उसके ऊपर हो रहे अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में और दिल्ली के अंदर भाई अरविंदर लवली जी की अध्यक्षता में एकजुट होकर हमारे को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सिंपल बात है कि कांग्रेस को वापस लाना है। दिल्ली भी उजड़ रही है और भारतवर्ष का भी यही हाल है, और ये हमारा कर्तव्य बनता है नैतिक कि जो कांग्रेस जन और कांग्रेस लीडरान और महात्मा गांधी की वो पार्टी, वो ही सिर्फ भला कर सकती है इस देश का। और बातें तो बहुत लोग करते हैं मगर उन पर अमल कितना करते हैं ये आप सब लोगों ने देख लिया, और आज जो दिल्ली की भी जनता है वो तड़प रही है। उसकी पेंशन नहीं आ रही है समय में, राशन नहीं मिल रहा है, और ये तमाम मुसीबतें जो एक गरीब जन को भी भुगतनी पड़ती हैं, और जो शिक्षा का स्तर है वो तमाम बातें, और जो मौसम का हाल है कि इन्होंने प्रदूषण को बिल्कुल नहीं रोका और प्रदूषण ने जबरदस्त तरीके से सबको बीमारी से घेरा था कि अब समय आ गया है कांग्रेस को फिर से उठाने का। वही कांग्रेस जिसका झंडा राजीव गांधी जी ने राहुल जी के हाथ में दिया है, और राहुल जी लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक और किस तरह से इससे वेस्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। आज हमें ऐसे पुनः ऐसे जागरूक भारत का सपना जो देखा था हमारे पूर्वजों ने, उसको साकार करने के लिए मुकेश जी ने बोला था बटन दबेगा हाथ पे, हाथ के बटन दबा के आने वाली 24 में और 25 में हमें भारत के नक्शे को भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू करना होगा। कांग्रेस पार्टी जिसका पूरा इतिहास कुर्बानियों से भरा है, कांग्रेस पार्टी जिसके नेताओं ने, जिसके क्रांतिकारी जो आज़ादी के मतवाले थे उन्होंने फांसी के फंदे चूमे, हिंदुस्तान की सरजमीन लहूलुहान हुई, चाहे आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद, जिस तरीके का बलिदान इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी जी ने दिया इस देश को, मैं समझता हूँ एक मिसाल है वो कि किस तरीके से बहादुरी के साथ इस देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। आज यदि इस रामलाल मैदान से हम सब लोग मिलकर के ये संकल्प लेकर के जाएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो आज हमें निर्देश देंगे उस निर्देश को घर घर ले जाने का संकल्प यदि आप ले लें तो कोई ताकत नहीं है किस ताना सही सरकार को हम ना उखाड़ फेंक पाए। यदि आप इस मन से निकले संदेश और संकल्प के साथ आज कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आज जो ताना सही सरकार इस मुल्क को लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास कर रही है उसको रोकने का संकल्प लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत होगी। आज आप सबसे हाथ जोड़ कर कहूँ 33% महिला आरक्षण हो गया है लेकिन हमें उसका अधिकार नहीं मिला है। 2024 के बाद 2025 में दिल्ली की 70 सीटों की तैयारी भी हम अभी रात से शुरू कर रहे हैं। 7 लोग लोकसभा लड़ेंगे तो आप में से कोई 70 विधानसभाओं में भी लड़ेगा। आज से ही आपसे हाथ जोड़कर कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर लवली जी, अजय माकन जी और मंच पर सुभाष चोपड़ा जी, मैं कहूँ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी, कृवेंद्र यादव जी, हमारे सभी लोग मंच पर, मैं माफी चाहूंगी हरुण यूसुफ जी, मंगत राम जी, कृष्णा जी, सब सबकी ओर से कहूँ
वहीं दूसरी तरफ काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हम गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं और दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस का बहुमत होगा, जिसका आगाज हम सब यहाँ करने आए हैं। जितने जोरों शोरों से पब्लिक आ रही है, पब्लिक पहुंची है यहाँ पे, इस जोरों शोरों से इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी भी, कांग्रेस को सफलता मिलेगी इस बात की। बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी अभी तक जो सरकारें काम कर रही हैं नाकारा हैं, बेकार हैं सरकारें, ऐसी सरकारों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। अब नहीं होगी, पहले थी, लोगों का परिवर्तन आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ था, वोटों का ध्रुवीकरण हो गया था, लेकिन अब वो नहीं है। अब लोगों से, आम आदमी पार्टी से लोग परेशान होकर दोबारा कांग्रेस में फिर वापस मारे हैं। सारे लोग आज आपको नज़ारा दिख रहा है, ये तो यहाँ ग्राउंड में तो बहुत कम लोग हैं, इससे 4 गुना रोडों पे हैं। देश को न्याय दिलाना, आप देखिए देश में क्या हो रहा है। CBI, ED, जो बीजेपी में शामिल हो जाए वो बिल्कुल सही हो गया, पता नहीं कौन सा सरफ है उनके पास में। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, कभी आपने देखा कि देश में इस तरह के ईडी की रेड हुई कि आप जबरदस्ती हमारे पास आओ नहीं तो हम तुम्हें ईडी भेज देंगे? ये उसी के लिए है न्याय यात्रा। करेगी, मेहनत कर रही है, बंद था कुछ समय के लिए, लोग हैं इधर उधर बट गए हैं, लेकिन अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, इंशाल्लाह फिर सब इकट्ठे होंगे। सिर्फ ऐसा जी, हम तो गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं। हर तरफ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल रहा है, इसके अलावा ना दिल्ली का पूरी इंडिया का विकास हो रहा है। बातें चल रही हैं कि 15-15 लाख आएगा, कुछ भी नहीं हुआ, ना कारोबार हुआ ना कुछ। युवाओं को 2 लाख, हर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी हर साल, मैं कहता हूँ 20 लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही, और जिनकी नौकरी थी वो भी हट गई। आज बुरा हाल है देश का, महंगाई का आसमान छू रही है। अभी मैं मौजूद हूँ गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में, जहाँ पे कांग्रेस की न्याय संकल्प सम्मेलन चल रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे जी यहाँ पर आए हुए हैं, और इसकी अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद जी लवली कर रहे हैं। जहाँ तक देख सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे लोगों की हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद है, और ऐसी ही संख्या को रोक गया है रोड पे, हजारों की संख्या यहाँ पर आई हुई है पूरी दिल्ली से, और ये मुख्यतः रूप में आने वाले 2024 के चुनाव का आगाज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली में कर रहे हैं, जिनके मुख्य उद्देश्य के रूप में युवा न्याय, किसान न्याय, नारी से न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय का इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन भारद्वाज का, मैं विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अपॉइंटमेंट सिस्टम खत्म होने से यहाँ आने वाले मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस हॉस्पिटल में आए हुए मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना टाइम में भीड़ भाड़ से बचने के लिए मरीजों को अपॉइंटमेंट माध्यम से बुलाया जाता था और फिर इलाज मुहैया कराया जाता था। ये नियम 2023 तक भी लागू था, लेकिन यहाँ अपॉइंटमेंट सिस्टम को हटाकर OPD की शुरुआत कर दी गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। मरीज बताते हैं कि पहले एक महीने के आगे की डेट मिलती थी, जिससे अगर कोई इमरजेंसी हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब OPD में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी आकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ज्योतिनगर इलाके में टेंट हाउस के गोदाम में चोरी करने गए युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके सब को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर स्थित सुराना गांव में ठिकाने लगा दिया गया। हत्या के बाद 5 दिन बाद विनोद बहादुर के शव को गांव की झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस ने टेंट हाउस के कर्मचारी आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। उसकी रिमांड को लेकर पुलिस उसके साथियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अगवा और हत्या की धारा में FIR दर्ज की है। शाहदरा जिले के MS पार्क थाना पुलिस की टीम ने रेलवे लाइन लालबाग झुग्गी के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। शाहदरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित कुमार के तौर पर हुई है। DCP ने बताया कि MS पार्क थाना क्रैक टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थी, इसी दौरान टीम ने रेलवे लाइन लालबाग झुग्गी के पास एक शख्स की तलाशी ली तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ 3 मामले पहले से ही दर्ज है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह कुछ दिन पहले मंडोली इलाके के मकान में उसने 2.5 लाख रुपए की चोरी की थी। GDB इनक्लेव थाना पुलिस और गीता कॉलोनी पुलिस ने 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की पहचान इरशद अली के नाम पर हुई है। आपको बता दें कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए शाहदरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में टीमों का गठन किया गया था। GTV इनक्लेव पुलिस द्वारा फरार अपराधी के गुप्त ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित जे क्लस्टर इलाके में काफ़ी समस्याएं हैं, जिनमें से एक समस्या गंदगी की भी है। लोगों ने बताया कि यहां पर सड़क सही से नहीं बनी है, नालियों में भी ओवरफ्लो बना रहता है, वहां के टॉयलेट टूटे हुए हैं, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई भी नेता यहां काम कराने नहीं आता है और ना ही इनकी समस्या सुनी जाती है। हाल ही में साफ़ सफाई के लिए अलग से प्राइवेट लोग लगाए गए थे, लेकिन इस इलाके में फिर भी सफाई नहीं हुई। अरे समस्या तो बहुत है, बहुत समस्या भाई, नाला भरा हुआ है पूरा, आई आई फायदा निकलने का जगह नहीं, हम लोग के घर से निकलने में बाल बच्चा की दिक्कत होता है, घर में पानी लेटरिन के पानी जाता है घर में, ये नाला भरा हुआ है, वो तीन गली है, तीनों गली पूरा भरा हुआ है, आगे चल के देखिए कहिए तो आई एक बार भी नहीं आई, नहीं है कोई नहीं आया, नगल पार्षद यहाँ कोई नहीं आया, कोई देखो काम वम नहीं हो रहा भाई, शौचालय के देख लो, शौचालय के क्या हाल है, बुरा हाल है। एक तरफ जहां पर दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम के मामलों का निपटान करने आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के अवेयरनेस कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सादरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सादरा इलाके में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम को बड़े स्तर पर आयोजन किया। इस आयोजन में 150 से ज़्यादा छात्र फिजिकली और वर्चुअली रूप से 650 से अधिक छात्र शामिल। DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि यह अवेयरनेस कार्यक्रम श्यामलाल कॉलेज में आयोजित किया गया था। ACP हेडक्वार्टर गुरुदेव सिंह की देखरेख में टीम ने इस कार्यक्रम में जुड़े स्टूडेंट को बताया कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड किया जाता है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में इंफॉर्मेंस ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट के अलावा BCA और MCA और जर्नलिज्म के पढ़ रहे स्टूडेंट भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।